Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। इससे पहली वाली क्लास में हमने जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे जिनसे अपने कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझा था। आज की क्लास में हम इलेक्शन से रिलेटेड और आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ और उसी टाइप पर आधारित, उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी के, बैंक के, रेलवे के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पुराने पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोर्ड पर दिख गया होगा। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है थोड़ा सा। तो देखो, राम और श्याम के बीच चुनाव हुआ, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम जिनके बीच में चुनाव हुआ है। कुल मतदाताओं के 3/5 ने राम को वोट देने का वादा किया, मतलब इलेक्शन में जितने टोटल वोटर्स हैं उनमें से 3/5 ने राम को वोट देने का वादा किया और 2/5 ने श्याम को वोट देने का वादा किया। मतदान की तारीख पर 20% मतदाता राम के लिए वोट देने के लिए अपने वादे से मुकर गए और 15% मतदाता श्याम के लिए वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। यदि राम 800 वोटों से जीतता है तो मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे पहले। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखेंगे और थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो कैंडिडेट हैं राम और श्याम। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव में वोटर जो है किसी को वोट देने का वादा करते हैं और जब वोट डालने का नाम आता है तो कुछ वोटर जो है वो जिससे वादा किया उससे दूसरे को वोट दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही हुआ है, यहां पर दो कैंडिडेट हैं राम और श्याम। तो कुछ वोटरों ने राम को वोट देने का वादा किया, कुछ ने श्याम को, लेकिन कुछ वोटर राम के जो है अपने वादे से मुकर गए और कुछ वोटर जो है श्याम के। तो क्वेश्चन में कहा है 20% राम के मुकर गए और 15% श्याम के मुकर गए। फिर उसके बावजूद जो है राम 800 वोटों से जीत गया, तो उसने पूछा कुल मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो देखो अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, क्वेश्चन को समझेंगे। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन में दो उम्मीदवार हैं भाई, इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं राम और श्याम। तो राम और श्याम दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट राम है और दूसरा कैंडिडेट श्याम है। दो कैंडिडेटों के बीच में चुनाव हो रहा है। अब उसके बाद उसने कहा, उसके बाद जो कहा, देखो लैंग्वेज के अनुसार, मैं लैंग्वेज के अनुसार ही चलूंगा, कुछ भी अलग नहीं करूंगा, जो लैंग्वेज में कहा है वही करूंगा। तो उसने कहा है, आगे कहा है उसने क्वेश्चन में कि कुल मतदाताओं के, जो मतदाता है उसका 3/5 ने राम को वोट देने का वादा किया। इसका मतलब टोटल वोटर के 3/5। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब कभी भी फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कोई मान दिया होता है तो जिससे तुलना की होती है या जिसका दिया होता है वो मान नीचे आता है और जो दिया होता है वो ऊपर आता है। तो उसने कहा है कि राम को कुल मतदाताओं के, इसका मतलब टोटल वोटर का रेशियो आएगा नीचे भाई, कुल मतदाताओं का कहा है, उसने कहा है कि कुल मतदाताओं के 3/5 में, इसका मतलब जो 3/5 है तो राम के जो वोट है वो किससे तुलना हो रही है, कुल मतदाताओं की संख्या से। तो टोटल वोटर का रेशियो नीचे आएगा और राम को कितने मिल रहे हैं उसका रेशियो ऊपर आएगा। इसका मतलब अगर 5 वोट इलेक्शन में पड़े होंगे तो 3 जो है राम को मिलेंगे। ठीक है, इस लैंग्वेज का ये मतलब है। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज में देखेंगे, दूसरी लैंग्वेज में उसने कहा है कि श्याम को कुल मतदाताओं के 2/5, इसका मतलब मैं 2/5 फ्रैक्शन लिखूंगा। तो यहां भी लैंग्वेज में उसने कहा है कि श्याम को कुल मतदाताओं के 2/5, तो किसका, श्याम को मिल रहे हैं और किसके मिल रहे हैं, कुल मतदाताओं के। तो जिसका कहता है वो वैल्यू नीचे आती है, तो टोटल वोटरों की संख्या नीचे आ जाएगी, उसमें से श्याम को कितने देने का वादा कर रहे हैं वो हमारा ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन में 5 वोट पड़ेंगे तो उनमें से 2 ने वादा किया है श्याम को देने का। ऐसे यहां पर क्या है कि अगर इलेक्शन में 5 वोट पड़ेंगे तो 3 ने वादा किया है राम को देने का। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद दोनों रेशियोज में देखेंगे कि जो वैल्यू कॉमन है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन है वो सेम है कि नहीं। तो देखो यहां पर टोटल वोटरों का रेशियो 5, यहां पर भी टोटल रेशियो का 5, इसका मतलब दोनों रेशियो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि अगर कुल मतदाताओं की संख्या, अगर कुल मतदाताओं की चुनाव संख्या चुनाव में 5 रेशियो होगी तो राम को मिलेंगे भाई 3 रेशियो और श्याम को मिलेंगे 2 रेशियो। ठीक है, ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई है ये आपके माइंड ही माइंड में जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। ये वाला काम तो आपको समझाने के लिए मैं करता हूं भाई, ये वाला काम मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको ये डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए। तो देखो यहां पर मैं अपनी तरफ से टोटल वोट्स ऐसे लेट करूंगा जो 5 के मल्टीपल में हो। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल वोट्स 500 मान लूं, टोटल वोट्स 500 मान लूं तो 300 लोगों ने तो वादा किया होगा राम को देने का, क्योंकि 3 रेशियो है, और श्याम को कितने लोगों ने वादा किया होगा 200 रेशियो ने। तो यहां पर जो टोटल वोटरों की संख्या है, टोटल वोटरों की संख्या, टीवी का मतलब है टोटल वोटर्स, टोटल वोटरों की संख्या मैंने भाई लेट कर ली 500। ठीक है, तो 5 रेशियो का मान 500 है, तो 3 रेशियो का मान 300 और 2 रेशियो का मान 200। अब आप कहेंगे सर आपने 500 ही क्यों माना, भाई आप बिल्कुल 500 मत मानो, आप 400 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, जो मन में हो वो मान लो, लेकिन हमको मानना क्या चाहिए, हमको ऐसी वैल्यू माननी चाहिए जिससे यहां पर 5 से 2 से 3 से जो है डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर पॉइंट ना आए, बस ऐसी वैल्यू माननी है। मैं इसको 100 भी मान लूंगा तो भी कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको मैं 200 मान लूंगा तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने अपनी तरफ से वैल्यू लेट की है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेट करते हैं तो उसको हम कितना भी मान लें सॉल्यूशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उसके बाद क्वेश्चन की आगे की लैंग्वेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है उसने भाई, उसने कहा है कि 20% मतदाता राम के लिए वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मतदाता राम को वोट देने वाले थे वो कितने थे 300, और जो श्याम को वोट देने वाले थे वो कितने थे 200। तो राम के इन मतदाताओं में से जो 300 वोट देने वाले थे वो 20% अपने वादे से मुकर गए। तो वादे से मुकरने का मतलब क्या है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इसका मतलब इसको वोट न देकर इसको वोट दे दिया, इसका मतलब इन 300 में से 20% वोट इधर चले जाएंगे श्याम की तरफ। इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने कहा है कि राम के जो वादा किया था राम को वोट देने का उनमें से 20% वादे से मुकर गए। इसका मतलब 20% इस 300 में से, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा 60, तो जो 60 मतदाता हैं वो राम को वोट न देके श्याम को दे देंगे। तो इसका मतलब श्याम के वोटों में तो हो जाएंगे भाई वो ऐड, और राम के वोटों में हो जाएंगे वो कम, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, अपने वादे से मुकर गए, इसका मतलब राम को वोट नहीं दे रहे वो श्याम को वोट दे रहे हैं, तो श्याम के वोटों में तो वो जुड़ जाएंगे और राम के वोटों में से ये घट जाएगा। ठीक है, अब आगे दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा है, दूसरी लैंग्वेज में उसने कहा है कि 15% श्याम को वोट देने वाले अपने वादे से मुकर गए। इसका मतलब श्याम को जितनों ने वोट देने का वादा किया था उनमें से 15% लोग वादे से मुकर गए। इसका मतलब इस श्याम में से 15% वोटर जो हैं वो राम की तरफ आ गए। तो 15% 200 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये चीज भाई 15% 200 का कितना होगा, आप चाहें अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बता चुका हूं 200 का 15% 15/100 ऐसे निकाल लो तो ये कितना हो गया 30 हो गया, लेकिन ये चीजें डायरेक्ट आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो 15% 30 हो गया, तो ये 30 जो इसके वादे से मुकरे वो 30 राम के वोटों में तो जुड़ जाएंगे लेकिन श्याम के वोटों में से भाई माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास पता लग गया कि राम को कितने वोट मिले और श्याम को कितने वोट मिले। तो देखो कितने वोट मिले ये निकालेंगे, राम को कितने वोट मिले भाई, तो राम को 300 में से 60 चले गए और 30 आ गए, तो इसका मतलब कुल मिला के 30 घट गए। तो 300 में से 30 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 270 वोट किसको मिले, राम को। श्याम को कितने वोट मिले, तो श्याम के में 60 आ गए और 30 चले गए, तो 30 की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब श्याम को वोटों की संख्या हो गई 230। श्याम को मिले 230 वोट, राम को मिले 270, कौन जीता। तो आप कहेंगे सर राम के वोट ज्यादा है तो राम जीता, कितने रेशियो वोटों से जीता, तो आप कहेंगे सर 40 रेशियो वोटों से जीता, और इस 40 रेशियो की वैल्यू उसने दी है, उसने कहा है कि राम 800 वोटों से जीत गया। इसका मतलब 40 रेशियो की वैल्यू
800 के बराबर होगी। 800 के बराबर क्यों होगी? क्योंकि उसने कहा है कि चुनाव में राम 800 वोटों से जीत गया। इसका मतलब ये 800 क्या है? राम और श्याम के वोटों में अंतर, ये परफेक्ट में अंतर है और ये रेशियो में अंतर है। दोनों चीजें सेम है तो बराबर रख सकते हैं, बराबर रखेंगे आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखो आगे कैलकुलेट करेंगे भाई तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो 40 से 80 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 800 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो एक रेशियो का मान बराबर आ जाएगा 20। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है उस रेशियो में रख देंगे। तो उसने कहा बताइए चुनाव में कुल मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता का रेशियो कितना है 500। कुल मतदाता का रेशियो कितना है भाई 500, कुल मतदाता 500 रेशियो है, एक रेशियो का मान 20 है तो नंबर ऑफ टोटल वोटर्स निकालेंगे तो टोटल वोटरों की संख्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 500 × 20, यही हो जाएगी 20 से एक रेशियो का मान। तो यहां से करेंगे तो 5 × 2 = 10, 10,000 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या आ जाएगी 10,000। 10,000 हमारे सी ऑप्शन पे दिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया था आपको, ये भी नहीं दिया था कि कितने परसेंट लोगों ने मतदान नहीं किया, कितने मत अवैध थे, ये वाली चीजें भी नहीं दी थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें टोटल वोट अपनी तरफ से लेट करेंगे। बस यही आपको सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को ये डाउट होता है सर आपने 500 ही क्यों माना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं 500 नहीं भाई, जो आपके मन में हो वो मान लो, 500 से ही कोई नहीं, आप 500 की जगह 400 मान लो, 100 मान लो, कितना भी मान लो, लेकिन मैंने 500 ही क्यों माना है, क्योंकि यहां 5 है तो मैंने 5 का मल्टीपल इसलिए माना है जिससे कैलकुलेट करने में परेशानी ना हो। 300 200, और आप भी मानते समय इस चीज का ध्यान रखें कि पॉइंट में, यहां पे तो चलो परफेक्ट में परसेंटेज दिए, यहां पे मान के चलो फ्रैक्शन में दिया होता 14 से 2/7% या 12.5 तो क्या करते, तो हम देखते कि इस फ्रैक्शन में नीचे 8 आता है इसमें 6 आता है, तो हमें ऐसी संख्या माननी है जो 8 और 6 से कट जाए, तो उस केस में 8 × 6 4800 मान लेता मैं, 2400 मान लेता मैं, मतलब ऐसी संख्या मानता जो उससे कट जाए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पॉइंट को हटाना है, पॉइंट वाली कैलकुलेशन को करने में हमें कठिनाई होती है, इसलिए पॉइंट वाली कैलकुलेशन को कम से कम करना है। तो उसका उसका मतलब पॉइंट कब आता है, जब कोई नंबर किसी से कटता नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से जब कभी भी कोई भी नंबर माने तो वो ऐसा माने कि जिस पर परसेंटेज आसानी से निकल आए, और परसेंटेज आसानी से निकलने का मतलब क्या है कि जो परसेंटेज का फ्रैक्शन मान है उसमें जो नीचे वैल्यू आ रही है उससे वो कट जाए बस। तो यहां पर इसीलिए मैंने 5 के मल्टीपल में मान लिया, आप कुछ भी मान लो। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको दूसरा 200 300 मान के करके देख सकते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, देखेंगे मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो समझेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। उसने कहा है चुनाव में 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके, इसका मतलब यह है किसी भी वजह से 20% जो एलिजिबल थे चुनाव में वोट कर सकते थे उन्होंने वोट नहीं डाला, कुल पड़े मतों में से 3200 मत अवैध हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए, किसी न किसी वजह से अवैध घोषित कर दिए गए 3200 मत, ए द्वारा कुल वैध मतों में से 60% वोट प्राप्त किया गया और शेष वोट बी ने प्राप्त किया, और ए 14720 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो वोटरों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं किया, मतलब हमें बतानी है वो वोटर कितने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, जिसका मान परसेंटेज में हमें पता है, परसेंटेज में कितने परसेंट ने वोट नहीं किया भाई, 20% ने वोट नहीं किया। उसके बाद उसने जो अवैध मत दिए हैं क्या हमें परफेक्ट में दिए या पॉइंट में दिए हैं, सॉरी परफेक्ट में दिए या परसेंटेज में दिए हैं, तो आप कहेंगे सर परफेक्ट में दिए 3200 अवैध। तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि जब कभी भी हमें अवैध मत या कोई भी चीज बीच में ब्रेक होके वो परफेक्ट में दी हो तो उस केस में हम जो है अपना बेसिक तरीके से जाएंगे, जैसे बस देखो फ्रैक्शन हो चाहे परसेंटेज हो, परसेंटेज हो चाहे फ्रैक्शन हो, बस आपको यह पता नहीं होना चाहिए कि जिस परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं आखिर वो है क्या और उसका हमें प्रयोग कैसे करना है। ऐसे फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो जो फ्रैक्शन हमने बनाया वो किसका है और उसका हम क्या प्रयोग करेंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन देखो आज की क्लास का पढ़ लिया होगा आपने, क्वेश्चन को हटा देते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे भाई, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है उसने कि 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो यहीं से सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मैं मान लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि चुनाव में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं
जिन्होंने चुनाव में वोट किया है, जो चुनाव की मतदाता सूची में है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं। मान के चलो मैंने लेट कर लिया, भाई 100 वोटर है, ठीक है। मैंने 100 ही क्यों लेट किया, क्योंकि उसने 20% उसने कहा है कि 20% ने मतदान नहीं किया। मैं भाई 100 की जगह 500 भी मान सकता हूं, इस 100 की जगह 400 भी मान सकता हूं, 200 भी मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन हर केस में क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा अगर आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया तो। लेकिन मैं 100 ही क्यों माना, मैंने 100 इसलिए माना क्योंकि उसने भाई 20% दिया है, और 20% तो हम 100 पे ही सबसे आसानी से निकाल सकते हैं, 200 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 100 पे सबसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने 100 मान लिया। 200 मान लो तो उसका 20% निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहां पर परसेंटेज अगर उसने मान के चलो 14.28% दिया होता, फिर क्या करेंगे आप, फिर आप देखेंगे कि 14.28 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/7, तो ऐसा नंबर मानेंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो मैं 700 मान लेता, तो वो वाली चीज है। तो ये मान जो हम अपनी तरफ से मानते हैं उसको कुछ भी मान सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उसने कहा 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं किया। अब देखो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाता हूं, 20% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया, इसका मतलब 100 में से 20 ने वोट नहीं किया, इनसे अब कोई मतलब नहीं है। कितनों ने वोट किया, 80% ने वोट किया, ठीक है। इसके साथ रेशियो चल रहा है, ये परफेक्ट मान नहीं है भाई, ये माना है, ये परफेक्ट मान नहीं है, ये रेशियो में मान है, 80-20-100। अब ये वोट नहीं डले, कौन से वोट नहीं डले भाई, नॉट कास्टेड कौन से हैं, ये 20% ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब ये आ गए नॉट कास्टेड, जिन्होंने वोट नहीं डाला है। कास्टेड का मतलब डालना भाई, 20 ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने डाला, 80% ने वोट डाला है। उसके बाद उसने कहा 3200 मत अवैध हो गए, तो यहां पर जो 3200 दिया है अगर ये इसने परसेंटेज में दिया होता तो मैं सीधा सीधा इस पर परसेंटेज में अवैध और इनवैलिड और वैलिड निकाल लेता, लेकिन उसने परसेंटेज में नहीं दिया, परफेक्ट में दिया है। तो जब कभी भी आपको अवैध मत परफेक्ट में दिए हो तो फिर यहां से आपको जो है इस पर 80 में से आप ऐसा नहीं कर सकते कि 80 में से सीधा 3200 को घटा दें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ रेशियो है। तो देखो भाई ये जो 80 है, ये जो 80 रेशियो है, ये जो 80 रेशियो है, ये क्या है, डाले गए कुल मत। इन डाले गए कुल मतों में दो तरह के वोट होंगे, कौन कौन से वोट होंगे, एक तो इनवैलिड वोट होंगे जिनको किसी न किसी वजह से अवैध घोषित कर दिया गया होगा, और एक इसमें वैलिड वोट होंगे, ठीक है बेटा, इसमें वैलिड वोट होंगे। तो अवैध मतों की संख्या उसने हमें दी है, उसने कहा कि 3200 मत अवैध घोषित कर दिए गए, इसका मतलब जो ये 3200 है ये परफेक्ट में वैल्यू है मत, इसका मतलब वैलिड वोट में निकाल सकता हूं। तो 80% टोटल मत पड़े उनमें से 3200 अवैध हैं, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, तो वैध मत जब मैं निकालूंगा तो आप कहेंगे सर अवैध मत हो जाएंगे, 80% में से अवैध मतों को माइनस कर दो 3200 को, तो सर वैध मत आ जाएंगे, तो वैध मत कितने आ गए, 80% - 3200 वैध मत आ गए भाई। उसके बाद उसने कहा है कि ए द्वारा कुल वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त किया गया और शेष बी को मिला। अब यहां से समझने वाली बात है, देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि नॉट कास्टेड वोट से उम्मीदवारों के रिजल्ट पर, मतलब चुनाव के रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही इनवैलिड वोटों से चुनाव के रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब चुनाव के रिजल्ट पर प्रभाव कहां से पड़ेगा, वैलिड वोटों में से, वैलिड वोटों में से पड़ेगा। अब उसने कहा है कि एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60%, तो इसका मतलब जो ऊपर लिखा है इसका 60% एक उम्मीदवार को मिले हैं। उसने कहा जो उम्मीदवार ए है, तो ए उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए वैध मतों का, मतलब 80% - 3200 का 60%, तो बताइए बी को कितने परसेंट मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर 100% में से 60 को घटा दो, बी को मिलेंगे 40%। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं, जैसे उसने कहा वैध मत, वैलिड वोट, वैलिड वोटों में से हमें किसी एक का परसेंटेज उसने दिया, किसी एक का परसेंटेज उसने दिया कि 60% एक को मिले, तो आप वैलिड वोट जो है अपने आप में 100% होते हैं, तो दूसरे वाले के निकालेंगे तो 100 में से 60 को घटा देंगे, सीधे सीधे 40% आएंगे, और जो जीता है वो कितने परसेंट जीता है ये निकालेंगे तो 20% आएंगे। पुरानी क्लास में ये चीज बताइए कि नहीं बताइए भाई, बताई है, मुझे याद है, तुमने अगर पढ़ी होगी क्लास तो आपको भी पता होगा। तो ये फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था कि मान के चलो इस उम्मीदवार के हमें वोट निकालने हैं, कितने वोट मिले, तो वैध मतों का 60% निकालेंगे, अगर इस उम्मीदवार के निकालते हैं तो वैध मतों का 40% निकालेंगे, और अगर ये निकालते हैं कि ये उम्मीदवार कितने वोटों से जीता, तो वैध मतों का
क्या निकालेंगे 20%, क्योंकि ये वाला उम्मीदवार इस उम्मीदवार से 20% वोटों से जीता है। यहां पे ये नहीं करना आपको कि पहले आप इसका 60% निकाल के यहां लिखे, फिर 40% निकाल के यहां लिखे, फिर अंतर लें, मतलब कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी शॉर्ट से शॉर्ट करना है। तो हमें एक रेशियो का मान निकालने के लिए उसने क्या दिया है, तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए उसने क्या कहा है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूं। उसने कहा है 14,720 मतों से चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब 14,720 क्या है, 14,720 ए और बी के मतों में अंतर है। तो यहां से भी हम मतों का अंतर लेंगे तभी तो बराबर रख पाएंगे। तो मतों का अंतर देखो कैसे लेंगे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के बाकी सॉल्यूशन पर। तो देखो इस साइड में देखेंगे यहां से आगे का सॉल्यूशन। तो देखो भाई 20% 60% वोट ए को मिले वैध मतों का, 40% बी को मिले, इसका मतलब जो ए है वो कितने परसेंट वोटों से जीत गया, 20% से। इसका मतलब वैध मतों का अगर मैं 20% मान निकाल लूं, मतलब 80:3200 जो वैध मत हैं इसका मैं अगर 20% तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यही तो हो गया इसका 20%। तो वैध मतों का अगर 20% मान निकाल लूं तो ये वाली वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए कि ए जो उम्मीदवार है वो बी से कितने मतों से जीत गया, तो कितने मतों से जीत गया, 14,720 मतों से जीत गया, ठीक है। अब यहां से एक रेशियो का मान हमारे पास आ जाएगा, तो देखो 1/5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बार कट जाएगा, 80 16 रेशियो हो जाएगा, यहां करेंगे तो 5 × 3 = 640 बार कट जाएगा ये, और बराबर हो जाएगा 14,720, ठीक है भाई। यहां से 16 रेशियो का मान निकालेंगे तो 640 उधर जोड़ में चला जाएगा, तो 0 0 4 और 2 6 6 और 7 13 3 1, तो ये हो जाएगा 15,360। कितना हो जाएगा भाई 16 रेशियो का मान, 15,360। यहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 16 से 9 बार जाएगा, 144 और 16 × 96 960 हो जाएगा। टोटल वोटरों के लिए कितने रेशियो का मान निकालेंगे, 100 रेशियो का मान, और कुल चुनाव में कितने वोट पड़े उसके लिए कितने का निकालेंगे, 80 रेशियो का मान। चुनाव में कितने मत नहीं पड़े उसके लिए कितने का निकालेंगे, 20 रेशियो का मान। वैध मतों के लिए 80 रेशियो के मान में से 3200 घटा देंगे, और अवैध मत हमें पता ही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में उसने कहा है वोटरों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाले, तो वोट न डालने वाले भाई कितने रेशियो है, 20 रेशियो। इसका मतलब अगर हम आंसर करेंगे तो भाई 20 रेशियो का मान निकाल के आंसर करेंगे, तो 960 × 20, तो देखो 2 0 6 2 12 2 1 9 2 18 और 1 19,200 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 19,200 मतदाताओं ने चुनाव नहीं किया, चुनाव में वोट नहीं किया। इसके बाद अब मैं पूरा देखो एक्सप्लेन, ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, 19,200 आंसर करके एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। उस मान के चलो हमसे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा होता तो कितने रेशियो का मान निकालते भाई, 100 रेशियो का, ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। और एक रेशियो का मान कितना है, एक रेशियो का मान है 960, तो 960 × 100, तो कुल चुनाव भाई कितने आ जाते वोटर, मतलब 96,000 वोटर थे इस चुनाव में टोटल। उसके बाद उसमें से 19,200 ने वोट नहीं किया, तो कितनों ने किया, 80 ने, तो 80 × 960 कर देंगे तो वोट करने वाले आ जाएंगे, तो वोट करने वाले भी बता दूं भाई देखो कितने होंगे, तो 80 रेशियो का मान निकालेंगे तो 80 × 960 इन्होंने वोट किया, तो 0 0 8 6 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 48 कैरी आ जाएगा, 4 8 9 72 और 4 76 ये आ जाएगा। तो इन लोगों ने 76,800 लोगों ने वोट किया, 96,000 टोटल वोटर थे, 19,200 ने वोट नहीं किया। अगर वैध मत आपसे पूछे जाते तो क्या करेंगे, इसमें से मात्र 3200 घटा देंगे तो आपके वैध मत आ जाएंगे। देखो वैध मत भी बता देता हूं, तो इसमें से 3200 घटा देंगे भाई, तो 3200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 00637 73,600 वैध मत हो गए। तो क्या करना है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले यह देखना दिया क्या है। तो यहां ए और बी के चुनावों में अंतर दिया था, तो हमें सबसे पहले रेशियो में अंतर निकालना है, जो मैंने निकाल लिया और उसको उसके बराबर रख दिया, वहां से एक रेशियो का मान हो गया। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है पूछा क्या है, तो पूछा क्या है उसने कि चुनाव में कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो उसका रेशियो कितना है, 20, तो 20 रेशियो का मान कितना हो गया, 19,200।
क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट सारी चीजें भाई बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, देखो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे भाई। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, बिल्कुल चीजें आपके माइंड में घुस जाएंगी लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे मैं अब पिछली क्लासों की अपेक्षा मैंने अब आगे आने वाली क्लासों में ये थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले वाले टाइप में बस एक ही जो कंसेप्ट कराने के बाद 5-6 क्वेश्चन करा देता था, लेकिन अब मैं उसके साथ एक प्रैक्टिस का वीडियो भी आपके लिए लेके आया हूं। जैसे इस चुनाव वाले रिलेटेड क्वेश्चन में लेके आया हूं, पीछे वाला मैंने पढ़ा चुका है पूरा कंसेप्ट, उसके बाद मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए उसके कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूं। ऐसे ही हर टाइप में अब ऐसे ही होगा, पहले आपका एक कंसेप्ट के लिए वीडियो आएगा उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो भी मैं आज करा रहा हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, मैं उसको पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, एक कॉलेज चुनाव में 31 सही 11/19% व्यक्ति ए के लिए मतदान करते हैं और 36 सही 16/19% व्यक्ति बी के लिए मतदान करते हैं, शेष लोग किसी को वोट नहीं दे रहे थे। यदि चुनाव में व्यक्ति बी के लिए मतदान करने वालों और अनिश्चित वोटरों के बीच अंतर, अनिश्चित वोटर का मतलब जो मतदान नहीं कर रहे हैं उनके बीच में अंतर 600 है, तो कॉलेज चुनाव में कितने वोटर थे, कुल वोटरों की संख्या हमसे पूछी है। अवैध मत, क्या इस चुनाव में उसने ये कहा है कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया? नहीं कहा, कहा तो नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में यह कहा है कि इतने वोट अवैध हैं या इतने प्रतिशत वोट अवैध हैं? नहीं कहा। इसका मतलब इस चुनाव में जितने भी वोट पड़े हैं सभी के सभी वैध हैं, न कोई अवैध है न ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव नहीं किया। जो भी मतदाता सूची में टोटल वोटर हैं सारे के सारे वोटरों ने वोट किया है और सभी वैध हैं, इसका मतलब यह है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, हटा देता हूं। तो देखो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो लैंग्वेज के अनुसार ही चलूंगा मैं, अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। एक कॉलेज चुनाव में 31 सही 11/19% ने ए को वोट किया, तो इसका मतलब ए को वोट करने वाले लोग दिए उसने 31 सही 11/19%, इतने प्रतिशत लोगों ने ए को वोट किया है। और बी को वोट कितने लोगों ने किया है? तो बी के वोट दिए हैं 36 सही 16/19%, 36/16/19%, इतने प्रतिशत लोगों ने बी को वोट किया है। तो ए को वोट करने वाले लोगों का परसेंट और बी को वोट करने वाले लोगों का परसेंट इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ना तो सभी ने वोट किया है, टोटल ने वोट किया है, उसके अलावा इसमें कोई इनवैलिड वोट नहीं है, केवल जितने भी वोटर हैं उन सभी ने वोट किया, सारे के सारे वैध मत हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 31 सही 11/19% का फ्रैक्शन मान देखूं तो कितना होगा भाई? तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी परसेंटेज हमसे पॉइंट में दिया होगा क्वेश्चन के अंदर तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें हमेशा यह देखना है कि इसमें नीचे कितना है, तो नीचे कितना है इसमें 19 है, तो इसका मतलब 19 है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन श्योर 1/19 से बना होगा। तो 1/19 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 1/19 का फ्रैक्शन होता है 5 सही 5/19%, यही फ्रैक्शन होता है 1/19 का। अब उसके बाद देखो कि जो हमारे सामने परसेंटेज लिखा है वो इसका कितने गुना हो सकता है, तो 30 है, तो इसका मतलब 30 के आसपास है, 31 है लेकिन 30 के आसपास है, इसका मतलब यहां पर 30 कैसे बनेगा? तो 6 का मल्टीप्लाई करने पर बनेगा, तो दोनों साइड में 6 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं शायद बन जाए फ्रैक्शन। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखो इधर बन जाएगा ये 6/19 और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 6 × 5 30 सही 30/19, लेकिन 30 में 19 से एक बार डिवाइड और जा सकता है तो 30 और 1 31 हो जाएगा और 11/19, 31 सही 11/19% का फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा? 6/19। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए को वोट जो मिले 31 सही 11/19 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 6/19। तो इस 6/19 का मतलब क्या है कि अगर टोटल, मैंने कहा था कि जब कभी भी हम किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो जिसका मान दिया है वो रिजल्ट ऊपर रहता है, टोटल वैल्यू नीचे रहती है, तो ए को वोट कहां से मिले होंगे? कुल मतों में से ही तो मिले होंगे, तो इसका मतलब यहां पर जो नीचे 19 रेशियो है ये टोटल वोटों का रेशियो है, टोटल वोट
टीवी और ऊपर जो है वो ए को मिलने वाले मतदाताओं का रेशियो है, ठीक है ए। उसके बाद 36 सही 16/19, तो ये देखो भाई इसका 7 गुना है, आप इसी में देख लो 7 का मल्टीप्लाई करके, तो 7 5 35 और 35/19, फिर 35 को 19 से एक बार और डिवाइड चला जाएगा तो 36 हो जाएगा और 35 में से इसको घटाएंगे तो 16 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7/19। 7/19 में भी ये जो बी को वोट मिले वो कहां से मिले, कुल मतों में से, तो कुल मतों का रेशियो आ जाएगा नीचे प्यारे विद्यार्थियों, और बी को मिलने वाले मतों का रेशियो आ जाएगा ऊपर। देखो बात को ध्यान से समझ के चलना, बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा। अब इसको मैं हटा देता हूं, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन बनाना पहली वीडियो में बता चुका हूं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज निकल के आ गई, हमें यह पता लग गया कि अगर टोटल वोट 19 रेशियो है, तो देखो पहले ऊपर और नीचे दोनों रेशियो में टोटल वोट सेम है कि नहीं, यहां भी 19 है यहां भी 19 है, सेम है तो सेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई अगर टोटल वोटर्स अगर 19 रेशियो में है, तो इस 19 रेशियो में से दो उम्मीदवार ए और बी को मिलने वाला जो रेशियो है, ए को मिले हैं 6 रेशियो और बी को मिले हैं 7 रेशियो, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसी चीज का जो मैंने ये चीज लिखी है, इसका मतलब ये है। देखो ये परसेप्शन कैसे आएगा, ये परसेप्शन आपका जो है डेवलप होगा आपकी प्रैक्टिस से। ये जो चीज मैंने लिखी है, एक स्टूडेंट ऐसा होगा वो जो इस चीज को लिखी गई नहीं, वो केवल ये फ्रैक्शन देखेगा और उसे पता लग जाएगा ये 19 से बन रहा है, वो डायरेक्ट यहां से चलेगा 19 6 7, यहां से सीधा चलेगा। ये जो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट का मतलब है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में से लाइनें कम कर देना, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में से लाइनें जब कब होंगी, जब आपका परसेप्शन बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, और वो समझ और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे लाइनें करती हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही शॉर्ट आप करते चले जाएंगे। एक विद्यार्थी से कहो भाई 2 और 2 जोड़ दो, तो वो क्या करेगा, वो पेन उठाएगा लिखने लग जाएगा 2 + 2 = 4, और एक क्या करेगा जैसे कहा 2 और 2 जोड़ दो, सीधा कहेगा सर 4 हो गया। वो क्या है, वो उसके माइंड का परसेप्शन है। तो वही कैपेसिटी आपको बनानी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें बिना लिखे करनी है, मतलब माइंड ही माइंड में कैलकुलेट करनी है, तभी आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहां आ गए हम, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना जरूरी है। उसके बाद उसने कहा है शेष लोग किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6 और 7 कितने हो गए भाई, 6 और 7 कितने हो गए, तो 6 और 7 आप कहेंगे सर 13 हो गए, इसका मतलब 13 ने तो वोट किया है, बाकी जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हो गए, तो वो आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो 19 है और 13 ने वोट किया है, तो जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। ये भी हमारे पास निकल के आ गया, जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हो गए, 6 हो गए, 13 टोटल वोट डले जिनमें से 6 ए को डले और 7 जो है बी को डले। अब सारी चीजें हमारे सामने क्लियर है। अब देखो एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए उसने कहा है कि यदि चुनाव में व्यक्ति बी के लिए मतदान करने वाले, तो व्यक्ति बी के लिए मतदान करने वाले कितने रेशियो है भाई, 7 रेशियो, ठीक है। व्यक्ति बी के लिए मतदान करने वाले और अनिश्चित वोटरों के बीच अंतर, तो अनिश्चित वोटर कौन से हैं, ये 6 जिन्होंने वोट नहीं किया है, इन दोनों के बीच में अंतर दिया है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिया है, 600 दिया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर 7 और 6 के बीच में कितना हो जाएगा, 1। एक रेशियो का मान हमें बराबर दिया है 600 के। उसके बाद उसने पूछा है कि बताइए चुनाव में कितने वोटर थे, तो कितने वोटर होंगे, 19 रेशियो, तो टोटल वोटरों की संख्या के लिए निकालेंगे 19 रेशियो का मान, तो 19 × 600, तो हमारा आंसर हो जाएगा 00 9 6 54 4 5 और 6 और 5 11,400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, 11,400। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमें उसने कहा था कि बताइए चुनाव में व्यक्ति बी के लिए मतदान करने वालों और अनिश्चित वोटरों के बीच अंतर हमें दिया था, चुनाव में बी को मतदान करने वाले कितने, 7, और अनिश्चित वोटर कितने, 6, इनके बीच में हमें डिफरेंस दिया था, तो डिफरेंस कितना हो गया भाई, 7 और 6 के बीच में 1 रेशियो, उसका मान कितना दिया था, 600। मैंने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि पहले ये देखते हैं दिया क्या है, फिर देखते हैं पूछा क्या है, फिर उनके रेशियोज देखते हैं। तो यहां पर हमें दिया क्या है, उसने कहा है चुनाव में व्यक्ति बी के लिए मतदान करने वाले लोग, तो बी के लिए कितने कर रहे हैं, 7, और अनिश्चित वोटरों के बीच अंदर, अनिश्चित वोटर कितने हो गए, 19 में से 13 को घटाएंगे तो कितने हो गए, 6, इन दोनों के बीच में अंतर दिया है 600, 1 रेशियो का मान 600 हो गया। पूछा क्या है टोटल वोटर कितने हैं, तो कितने हो गए, 19 रेशियो, 19 × 600 आंसर आ जाएगा 11,400, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आगे चले आज की क्लास का 4th क्वेश्चन देखेंगे।
आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में जो दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 60% मतदाताओं ने एक्स को तथा शेष ने वाई को वोट देने का वादा किया, परंतु 20% मतदाताओं ने एक्स को वोट दिया तथा 50% मतदाताओं ने वाई को वोट दिया। यदि ए 640 मतों से चुनाव हार गया तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है कि एक चुनाव है जिसमें दो उम्मीदवार हैं एक्स और वाई, 60% मतदाताओं ने एक्स को और शेष ने वाई को वोट देने का वादा किया। क्वेश्चन ये वही आ गया जो मैंने अभी आज की ही क्लास में पीछे कराया है, प्रॉमिस करने वाला। तो प्रॉमिस में भाई ऐसा ही होता है, प्रॉमिस हमेशा टूटता है। अब जो वोटर जो है वो क्या करते हैं कि वो पहले प्रॉमिस कर देंगे और बाद में अपने जो वादा है उससे मुकर जाएंगे। तो मुकरने का मतलब क्या है कि उनको वोट कुछ वोटर नहीं देते, कुछ वोट कम मिलते हैं, तो वो वाली चीज है। तो इस क्वेश्चन को देखो, आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे। हटा देता हूं अब मैं क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को हटा देता हूं, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। तो भाई देखो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं ये कहा है कि इतने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? कहीं नहीं कहा। क्या इस क्वेश्चन में ये कहा है कि इतने मत जो है वो अवैध है? नहीं कहा। इसका मतलब टोटल वोट जितने भी पड़े हैं सारे के सारे वैध हैं, ये मान लेंगे। उसके बाद बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे जैसे कहा गया वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो उसने कहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं एक्स और वाई, तो एक उम्मीदवार है एक्स और दूसरा उम्मीदवार है वाई। उसके बाद उसने कहा कि इस चुनाव में 60% मतदाताओं ने एक्स को वोट करने का वादा किया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मानने पड़ेंगे भाई पहले। तो 60% मतलब परफेक्ट है तो जरूरी नहीं है, कुछ भी मान लो, 100 मान लेते हैं भाई। जब परसेंटेज हमें परफेक्ट में दिया है, पॉइंट में नहीं दिया, तो हम टोटल वोटर 100 ही मान लेते हैं, क्या जरूरत है कुछ मानने की। तो उसने क्या कहा है कि 60% ने एक्स को वोट करने का वादा किया। इसका मतलब मतदाता सूची में कुल मतदाता अगर 100 रेशियो होंगे तो उनमें से 60 रेशियो एक्स को वोट देने का वादा किया है, बाकी के जो बचे तो 100 में से 60 को घटाएंगे, बाकी के कितने बचे, 40 रेशियो ने वाई को वोट देने का वादा किया है। ये जो मैंने वोट लिखे हैं एक्स और वाई के, ये प्रॉमिस के अनुसार हैं, मतलब पड़े नहीं है भाई वोट अभी, केवल प्रॉमिस किया है कि भाई 60% वोटर जो है वो एक्स को वोट देंगे और 40 जो है वो वाई को वोट देंगे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने कहा, प्रॉमिस करने के बाद जो वोटर हैं, क्वेश्चन में आगे उसने ये कहा है, परंतु 20% मतदाताओं ने एक्स को वोट किया और 50% मतदाताओं ने वाई को वोट किया। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने प्रॉमिस किया था उन टोटल ने वोट एक्स को नहीं किया। 60 लोगों ने प्रॉमिस किया था लेकिन मात्र 20% ने एक्स को वोट दिया है। इसका मतलब एक्स को वोट मिले कितने ये निकालेंगे, तो एक्स को वोट मात्र मिले हैं भाई 20%। तो 60 का 20% निकालेंगे 1/5 तो कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब एक्स को वोट मिले हैं 12। ऐसे ही वाई को वोट मिले हैं 50%, तो इसका मतलब 50% निकालेंगे तो वाई को कितने वोट मिले, तो 50% आधा हो जाएगा, तो 40 का आधा हो जाएगा 20। ये जो वोट हैं जो मैंने 20 और 12 लिखे, ये हैं ऑब्टेंड, मतलब प्राप्त किए गए हो, ऑब्टेंड वोट्स। ऊपर जो मैंने लिखे थे वो प्रॉमिस, वादा जो किया था जितने लोगों ने वो है, नीचे जो मैंने लिखा है 12 और 20, ये जब चुनाव पड़ गए हैं तो मात्र 12 रेशियो, मतलब 12 रेशियो एक्स को मिले और 20 रेशियो। मैं रेशियो क्यों कह रहा हूं, मैं रेशियो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 100 है ये परफेक्ट माने, ये हमने अपनी तरफ से माना है, तो इस वजह से इसके साथ रेशियो चलेगा। तो इसका मतलब 12 रेशियो ने एक्स को वोट दिया और 20 रेशियो ने वाई को वोट दिया। उसके बाद उसने कहा है कि जो एक्स है वो 800 वोटों से चुनाव हार गया। इसका मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो कितने रेशियो वोटों से हार गया, तो आप कहेंगे सर 20 में से 12 को माइनस कर देंगे, 8 रेशियो वोटों से चुनाव को वो हार गया, और 8 रेशियो की वैल्यू उसने बराबर दी है 800 के। तो यहां से 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 100, और मतदाता टोटल कितने चुनाव में, उसके लिए 100 रेशियो का मान निकालेंगे, तो यहां से 100 रेशियो का मान निकालेंगे भाई, तो 100 रेशियो का मान आ जाएगा 10,000। इसका मतलब टोटल 10,000 वोटर इस चुनाव में थे। यही हमसे पूछा है। उसने कहा है कि बताइए
यहां पर टोटल मतदाता कितने थे, यहां पर टोटल मतदाता कितने थे ये हमसे पूछा है। सॉरी यहां पर इसने ये कहा है, सॉरी यहां पर इसने ये कहा है कि 640 मतों से, जो मैंने 800 मत लिखे हैं इसकी जगह उसने कहा है प्यारे विद्यार्थियों कि 640 मतों से, क्वेश्चन में 640 मतों से कहा था। तो 8 रेशियो की वैल्यू हम बराबर करेंगे 640 मतों के। उसने कहा है कि जो x है वो 640 मतों से चुनाव हारा है, तो यहां से 1:1 का मान निकालेंगे तो 1:1 का मान बराबर आ जाएगा 80 के। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के लिए 100:1 का मान निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएंगे 100 × 80 = 8000। तो ये हमारा दिया है ए ऑप्शन पर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के लिए हम 100:1 का मान निकालेंगे, 1:1 का मान 80 है तो मल्टीप्लाई 80, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएंगे चुनाव में भाई 8000। तो ये हो गया 8000। तो ये वही वाली चीज है कि जिन्होंने प्रॉमिस करने का वादा किया उन टोटल ने उसको वोट नहीं दिया, उसमें से मात्र 20% ने एक्स को वोट दिया और मात्र 50% ने वाई को वोट दिया। फिर उसके बाद देख लो रिजल्ट क्या है, तो यहीं से पता लग जाएगा रिजल्ट। तो यहां पे वाई के वोट ज्यादा है एक्स के कम है, तो वाई जीत गया। कितने वोटों से एक्स हार गया, 8:1 से, जो वैल्यू परफेक्ट में 640 मतों के बराबर है। 1:1 का मान निकाल लिया, टोटल वोट के लिए 100:1 का मान निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो भाई आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन बोर्ड पे पढ़ेंगे और मैं पढ़ के बता देता हूं आपको क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन में। पांचवे क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को कुल पड़े गए मतों का 2/3 भाग प्राप्त हुआ, यदि उसे 1500 मत कम प्राप्त हुए होते तो वह कुल मतों के 60% मतों से चुनाव हार जाता, तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो देखो पांचवा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे समझेंगे। जब कभी भी मैं क्वेश्चन आपको यहां पर शो कराता हूं तो आप उसको करने की कोशिश किया करें। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको स्पष्ट नहीं दिखता है तो उसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस पीडीएफ डाउनलोड कर लें, तो उसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो मैंने यहां पर कराए हैं, वही सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ में आपको मिलेंगे, तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पांचवे क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक चुनाव में ए को कुल मतों का 2/3, इसका मतलब 2/3 ए को कुल मतों का 2/3 मत मिले, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का रेशियो नीचे आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं, और ए का रेशियो आएगा ऊपर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अगर मैं 300 मान लू तो इसमें से ए को मिलने वाले वोटरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ए के मिलने वाले वोटरों की संख्या 200:1 हो जाएगी और बी को मिलने वाले वोटरों की संख्या 100:1 हो जाएगी। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार यही हो जाएगा। तो ये वाले तो है क्वेश्चन की एक लैंग्वेज, उसने कहा कि उस चुनाव में ए को कुल मतों का 2/3 मिला। उसके बाद क्वेश्चन में आगे एक संभावना दी है, उस संभावना में क्या कहा है कि यदि ए को 1500 वोट कम प्राप्त होते तो ए कुल मतों के जो टोटल मत दिए हैं उसके 20% मतों से चुनाव हार जाता। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। तो इसमें क्या कहा है, इस संभावना के अनुसार क्या होगा कि ए को मिलने वाले जो 200:1 वोट हैं उसमें से अगर इसको 1500 वोट कम मिलेंगे तो ए को मिलने वाले वोट हो जाएंगे 200:-1500। तो ए को अगर 1500 वोट कम प्राप्त होंगे तो इसका मतलब बी को फिर कितने प्राप्त होंगे, तो बी को वोट मिलेंगे फिर 100:1, और जो 1500 इसको कम मिल रहे हैं वो बी के 1500 वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो भाई कम हो नहीं रहे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो 300:300 हैं, तो जितने वोट इसको कम मिलेंगे उतने वोट उसके बढ़ जाएंगे, बी के बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। जैसे मान के चलो इसको 200:1 मिल रहे हैं, इसको 100:1 मिल रहे हैं, अब इसको जितने वोट कम प्राप्त होंगे तो वो वोटर्स कहां जाएंगे, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवार तो दो ही हैं, कोई तीसरा उम्मीदवार तो है नहीं, और यहां पे क्वेश्चन में उसने ऐसा कहीं कहा नहीं है कि कुछ उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला। तो इसका मतलब जब यहां पे ये वोट कम होंगे तो वो वोट बी के में बढ़ जाएंगे, तो बी को कितने हो जाएंगे 100:+15। तो ये जो नीचे दी है ये एक पॉसिबिलिटी दी है, संभावना दी है। तो संभावना दी है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो ऐसा होने पर उसने कहा है कि ए जो है वो 20% मतों के कुल मतों के 20% मतों से हार जाता। इसका मतलब कुल मत कितने रेशियो हैं, तो कुल मत 300:1 हैं, तो 300:1 का 20% कितना हो जाएगा, तो
तो 300 रेशियो का 20% हो जाएगा भाई 60 रेशियो, इसका मतलब 60 रेशियो से ए हार गया। तो इसका मतलब ए और बी के वोटों में अंतर कितना है, वो कितना है 60 रेशियो। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार ही बस मैं जैसे क्वेश्चन में कह रहा वैसे करता जा रहा हूं। तो उसने कहा है, एक बार फिर से भाषा को रिपीट कर देता हूं, कि ए को अगर 1500 मत कम प्राप्त हुए होते तो ए को प्राप्त कितने हो रहे हैं 200 रेशियो से 1500 मत कम मिलते, तो इसका मतलब बी के में वो मत ऐड हो जाते, तो बी को कितने मिलते 100 रेशियो प्लस 1500, तो 100 रेशियो तो उसको पहले से मिलते ही आ रहे हैं और ये 1500 इधर से कम हुए तो इधर जाके बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा है कि ए जो है वो कुल मतों के 20% से हार जाता, तो कुल मत कितने 300, रेशियो का 20% निकालेंगे तो 60 रेशियो मतों से हार जाता। इसका मतलब 60 रेशियो इन दोनों के मतों में अंतर के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें से जीता कौन है, बी, तो बी के मतों में से ए को घटाएंगे तो बी के मत कितने 100 रेशियो प्लस 1500। देखो यहां से आगे का सॉल्यूशन इधर देखेंगे और देख लेते हैं यहां पर, तो यहां पर देखेंगे तो 100 रेशियो प्लस 1500 बी को मिलने वाले मत, ये किसको मिलने वाले मत है भाई, बी को मिलने वाले मत, इसमें से माइनस कर देंगे ए को मिलने वाले मत 200 रेशियो और माइनस 1500, और ये वाली वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए कितने रेशियो के 60 रेशियो के। क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो देखो 100 रेशियो माइनस 200 रेशियो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100 रेशियो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 रेशियो इधर हो जाएगा 1500 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1500 और 1500 कितना हो जाएगा 3000, और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी भाई 60 रेशियो के। 100 रेशियो के दल लेके जाएंगे तो 160 रेशियो 160 रेशियो का मान बराबर हो जाएगा 3000 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 से इसमें कितने बार जाएगा, तो 16 दूनी 32 एक बार जाएगा, 16 से परफेक्ट नहीं कट रहा तो चलो ठीक है 4 से काट लेते हैं, 4 बार कट जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 75 बार कट जाएगा। तो यहां से 4 रेशियो का मान जो है वो बराबर आ गया भाई 75 के। अब आगे कैंसिल नहीं हो रहा तो यहीं रोक लो। उसके बाद क्या पूछा ये देख लेते हैं। तो उसने कहा है कि बताइए कुल डाले गए मतों की संख्या, तो कुल डाले गए मतों की संख्या हमने कितनी मानी है भाई 300 रेशियो मानी है, तो 300 रेशियो का मान निकालेंगे। तो यहां से टोटल वोटर्स हमसे पूछे तो टोटल वोटर्स निकालेंगे तो 75/4 एक रेशियो का मान हो जाएगा और मल्टीप्लाई टोटल वोटर्स की कितना है ये, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे ये भी 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 8 56, 5625 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो डायरेक्ट जब कभी भी पीछे 5 हो और हमें स्क्वायर निकालना हो, जब कभी भी पीछे 5 हो और हमें स्क्वायर निकालना हो, जैसे जैसे मान के चलो हमें 75 का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए पीछे वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे 25, और ये जो आगे 7 है इससे आगे वाला नंबर, तो 7 से आगे वाला कितना होगा 8, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 56। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान के चलो 65 का निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 से आगे डिजिट कौन सा आएगा 7, 7 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4225। ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने यहां 75 का स्क्वायर ऐसे ही निकाला 5625, तो 5625 कौन से ऑप्शन पे है भाई सी ऑप्शन पे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। तो यहां पर ये जो दूसरी वाली चीज है ना पॉसिबिलिटी है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस भाषा को अगर आप समझ सकते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं है। देखो ठीक है, आज की क्लास का 6th क्वेश्चन देखो, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 6th क्वेश्चन, पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ये 6th क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक चुनाव में एक्स राज्य ए तथा राज्य बी में डाले गए कुल मतों के 50% मतों से जीत जाता है। ठीक है, इसमें कहा है कि इन एन इलेक्शन एक्स विंस बाय 50% ऑफ द टोटल वोट्स इन स्टेट ए एंड स्टेट बी। इस एक चुनाव में एक्स राज्य ए तथा बी, कोई एक्स व्यक्ति है राज्य ए में तथा बी में चुनाव लड़ रहा है, वो में डाले गए कुल मतों के 50% मतों से जीत जाता है। वह राज्य ए में डाले गए कुल मतों के 60% मतों से जीत जाता है। यदि राज्य ए तथा राज्य बी में डाले गए मतों का अनुपात 3:1 है तो ज्ञात करो उम्मीदवार एक्स राज्य बी में कितने प्रतिशत मतों से जीत जाता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने कंसेप्ट पीछे पढ़ा है, इससे पीछे की क्लास में जो पढ़ा है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इलेक्शन रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मैं पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आज बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं।
तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो देखो आज की क्लास का 6th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइप में आपको परसेंटेज में पीछे करा चुका हूं, उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने आपको पीछे परसेंटेज की क्लास में दो टाइप कराए थे, एक इनिशियल फाइनल वाला कराया था और एक भाग वाला कराया था। तो मैंने उस भाग वाले में आपको बताया था कि जब दो चीजों का रेशियो हमें दिया हो और उन दोनों का जोड़ किसी तीसरी चीज के बराबर है, जैसे देखो सॉल्यूशन समझ लेते हैं, क्वेश्चन को अब मैं हटा देता हूं, 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 6th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक जो है व्यक्ति है एक्स और दो राज्य हैं ए और बी। तो जो एक्स वोटर है ये दो राज्यों में, एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है, इन दोनों राज्यों में जो वोट पड़े हैं उनका रेशियो दिया है। तो वो जो रेशियो है टोटल और टोटल वोट्स के दोनों का रेशियो का जोड़ ए प्लस बी, ए को ए राज्य में मिलने वाले वोट, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राज्य ए में मिलने वाले वोट और प्लस राज्य बी में मिलने वाले वोट एक्स को मिलने वाले टोटल वोटों के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। भाई ये स्टेट ए है ये स्टेट बी है, इन दोनों स्टेटों में एक्स को कितने कितने वोट मिले उन दोनों को अगर जोड़ दें तो एक्स को मिलने वाले टोटल वोटों का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ टोटल रेशियो का रेशियो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसके अलावा राज्य ए में कितने वोटर हैं, राज्य बी में कितने वोटर हैं, अगर दोनों को जोड़ दें तो टोटल वोटरों के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि दो चीजों का जोड़ तीसरी वैल्यू के बराबर है, यही है, और उसके अलावा रेशियो दिया है और परसेंटेज दिया है और हमें कोई एक परसेंटेज मतलब राज्य बी में मिलने वाला परसेंटेज पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पीछे एक टाइप बताया, उसमें बताया था पार्ट वाले में उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार और देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक चुनाव में एक्स कोई व्यक्ति है, राज्य ए और बी में डाले गए कुल मतों के 50% मतों से जीत जाता है, वह राज्य ए में 60% मतों से जीत जाता है, तो यदि राज्य बी में डाले गए कुल मतों का अनुपात 3:1 है तो ज्ञात करो बी में कितने परसेंट वोट उसको प्राप्त हुए। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो पता होना चाहिए, तो रेशियो में उसने कहा है कि राज्य ए और राज्य बी में डाले गए मतों का अनुपात 3:1 है, तो राज्य ए में डाले गए मतों का रेशियो 3, राज्य बी में डाले गए मतों का रेशियो 1 और टोटल 3 और 1 कितना हो जाएगा। अब ए राज्य में बी राज्य में और टोटल वोट, अब इनमें से एक व्यक्ति एक्स ने वोट प्राप्त किए हैं, तो एक व्यक्ति एक्स ने राज्य ए में 60% वोट प्राप्त किए हैं, बी में हमसे पूछा है और टोटल उसने दोनों में मिलाकर कितने प्राप्त किए हैं 50%। तो देखो ये भाग वाला टाइप जो मैंने पीछे कराया उसी से क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बस कर लेंगे। तो ए राज्य से एक्स को कितने परसेंट मिले 60% और ए राज्य में वोटरों का रेशियो कितना है 3, तो 3 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो ए राज्य से एक्स को टोटल कितने परसेंट वोट मिले 180%, टोटल दोनों में मिलाकर कितने परसेंट मिले हैं 50%, तो दोनों में मिलाकर 4 रेशियो है, 4 रेशियो में 50% का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कितने परसेंट वोट मिलेंगे 200%। अब यहां से ए को एक्स को जो एक्स व्यक्ति है इसको टोटल 200% वोट मिले, 180% उसको ए से मिल गए, तो बाकी के कितने बचे, तो बाकी के कितने बचे 20% और कहां से मिलेंगे ये कहां से मिलेंगे बी से, और बी का रेशियो कितना 1, भाग से डिवाइड करना ना भूले तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। इसका मतलब उसे राज्य बी से 20% वोट प्राप्त होंगे तब उसे कुल जाकर 50% वोटों की प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहां पर क्या था कि दो राज्यों में वोटरों का रेशियो दिया था 3:1 और टोटल 4, उसके बाद एक व्यक्ति एक्स इन राज्यों में वोट प्राप्त कर रहा था तो उसने कहा कि ए राज्य में उसने 60% वोट प्राप्त किए, तो ए राज्य का रेशियो कितना है और 60% प्राप्त किए तो कुल प्राप्त मतों का परसेंट आ जाएगा 180%, और उसने दोनों राज्यों में मिलाकर कुल कितने प्राप्त किए 50% और दोनों राज्यों का मिलाकर रेशियो कितना है 4, तो 50 × 4 कितना हो जाएगा 200%। तो शेष वोट 180% ए से ए राज्य से मिले और टोटल 200% चाहिए, तो बी राज्य से कितने चाहिए 20% और रेशियो कितना 1, तो 1 भाग से डिवाइड करना नहीं भूलें, ये मैंने टाइप आपको पीछे कराया है, 1 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। कौन से ऑप्शन पे दिया है भाई क्वेश्चन में, बी ऑप्शन पे दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 7th क्वेश्चन देखेंगे।
ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब हम क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। तो सेवन क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, सेवन क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया, 25% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया तथा 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ज्ञात कीजिए इनमें से विजेता को प्राप्त वोट प्रतिशत कितना हो सकता है। यदि दूसरे स्थान पर आए उम्मीदवार ने कुल मतों का 22% मत हासिल किया, दिया है कुल मतदाता 15,000 हैं, तो उसने ये कहा है कि बताइए, जिसने पूछा क्या, उसने पूछा है कि विजेता को प्राप्त प्रतिशत वोट कितना हो सकता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी परसेंटेज की शुरू की क्लास में, जबकि हमें आंसर प्रतिशत में पूछा होगा तो उस केस में हमें परफेक्ट मान से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 15,000 से तो हमें कोई मतलब है नहीं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखेंगे, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, सॉल्यूशन देखेंगे सेवंथ क्वेश्चन का। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहा, उसने कहा है कि एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। इसका मतलब अगर मैं वोटर टोटल 100 मान लूं, अगर टोटल वोट्स का रेशियो, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का रेशियो मैं 100 मान लूं, तो 25% ने भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब मतदान न करने वाले कितने हो जाएंगे 25, मतदान करने वाले कितने रेशियो हो जाएंगे 75 रेशियो हो जाएंगे। इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 75% या सॉरी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अगर मैं 100 रेशियो या 100% मान लूं, तो उसमें से 25% ने वोट नहीं किया, ये जो है नॉट कास्टेड वाले हैं, जिन्होंने वोट नहीं किया है वो वाले हैं, और 75 जो है ये कास्टेड, जिन्होंने वोट डाला है वो। उसके बाद उसने कहा है कि 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, इसका मतलब 75 का 5% जो वोट डले हैं उन्हीं में से तो इनवैलिड घोषित किए जाएंगे। मैंने आपको पहले दिन ही इलेक्शन की क्लास में बता दिया था कि इनवैलिड वोट कहां से होते हैं, वैलिड कहां से होते हैं, तो अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 5%, तो इसका 5% कितना होगा, 7.5 का आधा होगा, तो 2 से करेंगे 3.75, इतना परसेंट आ जाएंगे इनवैलिड, बाकी के बचेंगे वैलिड। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, तो 75 में से 3 घटाएंगे 71.25% हो जाएंगे वैलिड। चाहे तो इनमें सभी में पीछे परसेंट निकाल लगा लो या रेशियो लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो 25% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने परसेंट ने डाला, 75% से 75, 5% अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब जो इनवैलिड 5% निकालेंगे वो बेटा 75% का 5% निकालेंगे, तब इनवैलिड वोटों का परसेंट निकल के आएगा 3.75% और वैलिड वोट रह जाएंगे 71.25%। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब उसके बाद क्या कहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि बताइए विजेता को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। यदि दूसरे स्थान पर तीन उम्मीदवार हैं, तीन उम्मीदवार में से दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार है उसे कुल मतों का 22% मिले, तो मैंने आपको पहले दिन की क्लास में बताया था कि हमेशा परसेंटेज जिस पर कहता है उस पर कैलकुलेट करते हैं, तो 22% कितने पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसने कहा है कुल मतों का 22% दूसरे स्थान, तो यहां पर तीन उम्मीदवार हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों, तीन उम्मीदवार हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पर होगा एक, एक सेकेंड नंबर पर होगा और एक जो है वो थर्ड नंबर पर होगा। बात को ध्यान से समझिएगा भाई, और इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शनों की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूं। तो भाई ऑप्शन ए पर दिया है 72%, ऑप्शन बी पर दिया है 60%, ऑप्शन सी पर दिया है 45% और ऑप्शन डी पर दिया है 90%। कुछ भी दिया है मतलब 70% दिया है, तो ये दिया है डी पर 70%। ये ऑप्शनों की भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जरूरत है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी आपके कॉपी कर, ठीक है। यहां पर एक्चुअली क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो बोर्ड पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं वो मुझे नहीं दिखता, इसलिए मैं यहां पर नीचे से देख के आपको समझाता हूं चीजों को। तो ये बोर्ड वाला क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए लगाया जाता है। तो ये हो गए ऑप्शन इस क्वेश्चन के। अब उसके बाद अब हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व में, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत सारी करा दी है, पूरा कंसेप्ट करा दिया, ज्यादा हम स्लो चीजों को कराने की जरूरत नहीं है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा सेकंड उम्मीदवार को कुल मतों का 22%, तो 100 का 22% निकालेंगे, तो 100 का 22% कितना हो जाएगा 22%, तो 22% इस दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले 71%, लेकिन मिलेंगे कहां से। उसने कहा है कुल मतों का तो निकालेंगे तो इस पर, लेकिन जाएंगे यहीं से, वैलिड मतों में से ही वोट बटेंगे भाई। ये वोट किसी मतलब की नहीं है, किसी भी उम्मीदवार को नहीं जाएंगे ना, ये वोट किसी मतलब के हैं, केवल जो वोट बटेंगे वो 71.25 में से बटेंगे, 71.25 में से 22% चले जाएंगे, तो बाकी के जो बचेंगे, बाकी के जो वोट बचेंगे भाई वो कौन कौन को मिलेंगे, फर्स्ट और थर्ड दोनों को मिलेंगे, तो कितने परसेंट बचेंगे, तो 71.25 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.25, 71 में से 22 को माइनस करेंगे तो 21 को माइनस करेंगे 50, तो 49.25% वोट बचे।
49.25% या रेशियो कुछ भी समझ लो, इतने परसेंट वोट बचे वो किस किस में मिल बटने, फर्स्ट में और थर्ड में। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई ऐसा रिलेशन दिया है जिससे फर्स्ट और थर्ड के परसेंटेज को अलग अलग बांट सकें? तो क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब फर्स्ट कैंडिडेट और थर्ड कैंडिडेट को 49.25% टोटल वोट मिलेंगे, बस हमें यह पता है। अब क्वेश्चन के आंसर में उसने कहा है कि बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट प्राप्त तो हो सकते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को ओबीएस है 22% से तो ज्यादा प्राप्त होंगे। इसका मतलब जो विनर है, जो विनर है उसको 22% से तो ज्यादा वोट होने चाहिए उसके। उसके अलावा अगर तीसरे वाले उम्मीदवार को कोई भी मत ना मिला हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिल सकते हैं? तो 49.25%। तो आप कहेंगे कि सर जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके वोट परसेंट 49.25 से ज्यादा नहीं हो सकता और 22% से कम नहीं हो सकता। बस इतना हम बता सकते हैं, बाकी ये नहीं बता सकते इतने वाले उम्मीदवार को फिक्स कितने परसेंट मिले और थर्ड वाले उम्मीदवार को फिक्स कितने परसेंट मिले, ये नहीं बता सकते। तो अब जाएंगे ऑप्शन पे। तो देखो 72% इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 60 भी ज्यादा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी 45%। इसका मतलब फर्स्ट वाले को 45% वोट मिल सकते हैं, बाकी के जो 4.25 बचेंगे वो तीसरे वाले उम्मीदवार के हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45%। आज की क्लास का 8th क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा आज की क्लास का 8th क्वेश्चन। मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है। एक चुनाव में पंकज और कमल ने भाग लिया, दो कैंडिडेट हैं पंकज और कमल, उन्होंने भाग लिया जिसमें कमल हार गया। यदि कमल को 25% मत अधिक मिलते तब कमल पंकज से उतना 3 गुना वोटों से जीतता है जितना पंकज पहले कमल से जीता था। यदि कुल मतों की संख्या 42,500 है तो ज्ञात कीजिए पंकज को कितने मत मिले। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके। दो उम्मीदवार हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन को हटा देते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो दो उम्मीदवार हैं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा आपको चीजों को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पीछे जो हमने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार है इसमें, पंकज और कमल। तो पहले मैं दोनों लिख लेता हूं, उम्मीदवार है दो भाई, एक है उम्मीदवार पंकज इस चुनाव में और एक दूसरा उम्मीदवार है कमल। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चलूंगा, कहीं भी अवैध मत का चर्चा नहीं हुआ है, कहीं भी ऐसे मत नहीं दिए कि इतने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाले, टोटल मत वैलिड हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे। तो उसने कहा कि 25% मत अधिक मिलते कमल को। देखो दो चुनावों की संभावना बता रहा है, पहले वाले एक चुनाव में तो पंकज जीता है और दूसरे वाले चुनाव में कमल जीत रहा है जब कमल को कुछ वोट ज्यादा मिल गए। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई चुनाव हो गया तो उसमें कोई एक उम्मीदवार जीता होगा, फिर उसके बाद हम इमेजिन करते हैं, देखा होगा आपने हारने वाला उम्मीदवार तो सबसे ज्यादा इमेजिन करता है कि यार मुझे इतने वोट और मिल गए होते तो मैं जीत जाता। तो बस वही वाली चीज है यहां पर इन क्वेश्चनों में, वही वाली चीज है कि दूसरी वाली जो चीज है वो संभावना है, पहली वाली रियलिटी है। तो पहले क्या हुआ है, पंकज और कमल दोनों ने भाग लिया। अब उसके बाद उसने कहा है कि अगर कमल को 25% मत अधिक मिले होते तो 25% अधिक का मतलब प्लस, तो प्लस 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा भाई, 5/4। तो 4 क्या है पहले कमल को कितने वोट मिले और 5 क्या है कि कमल को अब दूसरी वाली संभावना में कितने वोट मिले। तो अगर कमल को पुरानी संभावना में 4:1 वोट मिले होंगे तो अब कितने वोट मिले हैं दूसरी वाली संभावना में, 25% अधिक, कितने, 5:1। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। उसने कहा कि 25% अधिक वोट मिले होते कमल को, इसका मतलब पहले जो कमल को वोट मिलते हैं वो 4 और कमल को अब जो मिल रहे हैं वो 5:1 दूसरी वाली संभावना में। फिर उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलते हैं दोबारा से, 25% मत अधिक मिले होते कमल को तो वह कमल पंकज से उतने 3 गुना वोटों से जीत जाता जितना पंकज पहले कमल से जीता था। इसका मतलब पहले कौन जीता था भाई, पहले जीता था पंकज, तो मैं उसकी तरफ एरो कर दूंगा जो जीता है, तो पहले पंकज जीता है। और अब दूसरे केस में कौन जीता है, कमल, क्योंकि उसका वोट परसेंट 25% से बढ़ गया है, मैंने ये मान लिया 25% से बढ़ गया है तो ये जीत रहा है। अब देखना, ध्यान से समझना, उसने लैंग्वेज में कहा है कि पहले पंकज जितने वोटों से जीता था उसके 3 गुने वोटों से अब कमल जीत जाता है। इसका मतलब अगर मैं पहले ये मान लूं कि पंकज कमल से 1:1 वोटों से जीता था, रेशियो का मतलब, रेशियो यहां लिया तो यहां R1 लेना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो अलग है वो रेशियो अलग है,
एक रेशियो वन से अगर ये जीता होगा तो इसके तीन गुने का मतलब 3:1 से कौन जीता होगा? अब कमल जीत रहा है। उसने ये कहा, उसने कहा है कि जितने वोटों से पहले पंकज जीता था उसके 3 गुने वोटों से अब कमल जीतता है। तो मैंने मान ला कि 1:1 से पहले पंकज जीता था तो अब 3:1 से कौन जीतेगा? कमल जीतेगा। ठीक है, अब तो पंकज के वोट कितने हो जाएंगे भाई? तो पंकज के वोट 4:1 क्योंकि ये जीता है तो जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4:+1। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट परसेप्शन से भी कर सकता हूं, लेकिन उससे फिर और क्वेश्चनों को करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। आर और आर वन मानने वाला, आप इस जगह पे एक्स वाई भी मान सकते हैं, ये भी कुछ भी मान लें अपनी तरफ से। फिर इसके निकालेंगे पंकज के, इस वाली दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में पंकज के कितने वोट होंगे? तो अब पंकज हार रहा है तो इसका मतलब 5:3 घटाएंगे तभी तो पंकज के आएंगे, तो पंकज के वोट आएंगे भाई 5:-3:1। ये क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि अब पंकज हार रहा है, इसका मतलब पंकज के वोट जो है वो कमल से कम है, कितने? 3:1। अब उसके बाद उसने कहा है कि दोनों ही केसों में चुनाव में जो कुल मत है वो समान रहते हैं, इसका मतलब इस वाले चुनाव में कुल मत इन दोनों का जोड़ और द्वारा में भी चुनाव में इन दोनों का जोड़, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए भाई? रहनी चाहिए। तो देखो मैं वही करूंगा, दोनों को बराबर करके इस रेशियो में रिलेशन निकाल लेते हैं कि इन दोनों रेशियो का रिलेशन क्या है पहले, क्योंकि रेशियो कंबाइंड करना बहुत जरूरी है तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखो ये करते हैं, 4:4 कितना हो गया भाई? 8:+1, यही तो हो जाएगा कुल वोटों की संख्या, कुल मतों की संख्या जो दोनों को मिले। और दूसरे वाले केस में भी कुल मतों की संख्या 5:5 कितनी हो गई? 10:-3:1। ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि उसने कहा है कि कुल मतों की, उसने कहा है प्रत्येक चुनाव में जो मत हैं, ये उसने क्वेश्चन में कहा है कि कुल मतों की संख्या 42,500 है, मतलब 42,500 टोटल वोटर्स दोनों ही केसों में 42,500 हैं, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। देखो भाई रेशियो को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 3:1 इधर आएगा और 1:1 इधर है, आर बराबर हो जाएगा 2R के, 8R उधर माइनस में चला जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो R का मान तो आ जाएगा 2 और R कितना हो जाएगा? तो R1:1 का मान 1 गया हो गया, R का मान 2 हो गया। अब हमारे पास देखो मैं इसको स्पष्ट करके लिख देता हूं, अब क्या रेशियो बन गया? तो पंकज को मैं P मान लेता हूं, कमल को K। तो देखो R का मान कितना है, R1:R निकाल लिया, मैं इसको लिख देता हूं भाई, देखो ये निकल के आ गया हमारे पास R1:R, दोनों के बीच में रिलेशन ये आ गया, R1 का मान कितना है 1 और R का मान कितना है 2, 1:2 का रेशियो आ गया। तो देखो यहां पर रख देंगे तो R का मान कितना है 2, 4×2=8 और 1=9, तो पंकज को पहले केस में कितने वोट मिले हैं? 9, और इसको कितने मिलेंगे? 2:R का मान तो 8, तो देखो 1:1 से जीत गया कि नहीं जीत गया, बात को समझना ध्यान से। उसके बाद R का मान कितना है 2, तो इसका मतलब कमल को दूसरे केस में कितने वोट मिले हैं? 10, और R का मान कितना है 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितने मिले? 7, तो देखो 7, तो कितने वोटों से हार गया? देखो 3 से हार गया कि नहीं हार गया, रेशियो बिल्कुल सही है। देखो कैसे सही है, कैसे चेक करेंगे रेशियो सही है कि गलत? 8 और 9 17 टोटल वोट यहां आ रहे हैं और 10 और 7 17 टोटल वोट यहां आ रहे हैं, इसका मतलब समान आने चाहिए, आ रहे हैं, तो रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा ये 1:1 से जीता, उसके 3 गुने से हारा है, तो देखो 1:3 का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है रेशियो, सारी कंडीशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो रेशियो बिल्कुल सही है। अब हमारा रेशियो बन गया। अब इसके बाद देख लो 1:1 का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो 1:1 का मान निकालने के लिए उसने कुल मतदाता दिए 42,500, तो कितने रेशियो का मान होगा? 17, तो 17:17 बराबर हो जाएगा 42,500 के। 1:1 का मान निकालेंगे तो 17×2=34, 8 बचेगा, 17×5=85, 2500। उसके बाद पूछा क्या है, तो उसने कहा है बताइए, उसने पूछा है पंकज को कितने मत मिले, तो पंकज को कितने मत मिले हैं भाई, तो पंकज को मिले हैं 9:1। उसने पूछा है पंकज को कितने मत मिले, तो पंकज को कितने मिले हैं 9:1, तो पंकज के मत निकालेंगे, पंकज को मिलने वाले मतों की संख्या आ जाएगी भाई, पंकज को मिलने वाले मतों की संख्या आ जाएगी 2500 और मल्टीप्लाई 9, तो 9,00,9,45,54,18,22,500 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 22,500, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 22,500। ठीक है, तो ये आज की क्लास का 8 क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं इसको डायरेक्ट परसेप्शन से भी कर सकता था, ये वाली चीज ना बता के, फिर उसमें क्या है कि उसमें अगर ये वैल्यूज अलग आ गई तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे,
इस वजह से ये रेशियो बनाने के लिए मैंने ये चीज आपको बताई है। पहले आप रेशियो बना लें, रेशियो को कंबाइन करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई R1:R1:2, उसको यहां रख के मैंने रेशियो बना लिया। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा था कि दोनों ही केसों में मत जो है टोटल समान है, तो देखो 9, 8, 17, 10, 17 समान आ रहा है। उसके अलावा 3 गुने वोटों से, तो देखो 3 गुने वोटों से आ रहा है, और ये 25% अधिक, देखो 8 से ये 25% अधिक होगा, 10 सारी कंडीशनों को ये रेशियो फॉलो करेगा, ये रेशियो बिल्कुल सही है। उसके बाद एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया, कुल मतदाता 70 रेशियो के बराबर रख दिया। पूछा क्या है, पंकज को कितने मत मिले, 9 रेशियो, कमल का पूछा होता तो 8 रेशियो, बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, तो देखो आज की क्लास का 9th क्वेश्चन देखेंगे भाई, 9th क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2020 के चुनाव की अपेक्षा 2025 में बीजेपी को वोट न देने वालों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से पिछले चुनाव से जीते हुए वोटों के 3/2 गुने वोटों से हार गई। यदि प्रत्येक चुनाव में 4,32,000 लोगों ने मतदान किया तो ज्ञात कीजिए 2020 में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको इससे पीछे क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन है, समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो 9वां क्वेश्चन है, मैंने जो 8वां क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन एक और डाला है भाई, तो इसको करने की कोशिश करेंगे। सेम क्वेश्चन है 9वां जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे कराया, सेम उसी कंसेप्ट पर आधारित है। 2020 और 2025 दो सालों में चुनाव में तुलना की गई है दो पार्टियों के बीच में, ठीक है, बीजेपी और एक और मान लेते हैं अपनी तरफ से। सॉल्यूशन देखें तो देखो 9वें क्वेश्चन मैं हटा देता हूं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखेंगे 9th क्वेश्चन का। तो देखो भाई दो पार्टी है और दो सालों की बात हो रही है, एक है बीजेपी पार्टी और दूसरी पार्टी में कांग्रेस मान लेता हूं, जिक्र नहीं किया मैंने, मान लिया है, ठीक है, और दो सालों की बात हो रही है, एक तो हो रही है 2020 की बात और दूसरे केस में बात हो रही है 2025 की, ठीक है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे कहेगा वैसे करता चलूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है 2020 के चुनाव की अपेक्षा 2025 में बीजेपी को वोट न देने वालों की संख्या, इसका मतलब बीजेपी को वोट न देने वाले कौन से होंगे, कांग्रेस को देने वाले वोट भाई, जो उसने ये कहा है बीजेपी को वोट न देने वालों की संख्या, इसका मतलब बीजेपी को जो वोट नहीं दे रहे वो वोट किसको देंगे, कांग्रेस को। तो इसका कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि कांग्रेस को मिलने वाले वोटों का परसेंट में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 20% वृद्धि का फ्रैक्शन बनेगा 6/5। कैसे बनेगा अब नहीं बताऊंगा भाई, बहुत बता दिया मैंने वृद्धि कमी, ये फ्रैक्शन वगैरह बहुत समझा दिया, अब थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अगर 5 मिले होंगे तो 2025 में कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे, 6 वोट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जिसकी वजह से पिछले चुनाव में जीते हुए वोटों के 3/2 गुना वोटों से हार गई, इसका मतलब इस चुनाव में ये कांग्रेस का जो है रेशियो बढ़ा, तो इसका मतलब बीजेपी इस चुनाव में हार जाएगी, और 3/2 मतलब यहां पर तो बीजेपी जीत रही थी और यहां पर बीजेपी हार गई है, और 3/2 गुने उसने ये भी कहा कि 3/2 गुने वोटों से, मतलब 2020 के चुनाव में वो इतने रेशियो से जीत रही थी, इतने रेशियो से जीत रही थी मतलब 2 रेशियो से, और इसमें 3 से हार गई। उसके बाद यहां पर देखो मान लेते हैं, तो यहां पर मैं रेशियो मान लेता हूं 5 रेशियो और 6 रेशियो, और 2R1 मान लेता हूं, यहां पर 3R1 मान लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही कहा है, बस मैंने अपनी तरफ से मान लिया, एक बार और समझा देता हूं। उसने कहा बीजेपी को वोट न देने वालों की संख्या में 20% वृद्धि हुई, तो मैंने 20% बढ़ा के 5-6 कर लिया, 2025 में न देने वाले मतलब कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ गया। फिर उसके बाद कहा जिसकी वजह से पिछले चुनाव में जीते हुए वोटों के, मतलब पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी, जीते हुए वोटों के 3/2 गुने वोटों से हार गई, और इस चुनाव में वो हार गई, तो ये जो एरो जिसकी तरफ हो रहा है वो विनर की तरफ हो रहा है, मतलब पहले चुनाव में जीती है बीजेपी, 2020 के चुनाव में जीती है भाई बीजेपी जीती है, और 2025 के चुनाव में कांग्रेस जीती है, ठीक है। अब उसके बाद यहां से बीजेपी के चुनावों का रेशियो निकाल लेता हूं मैं, इसको हटा दूं, ये बात समझ में आ गई होगी और ये भी बात समझ में आ गई होगी। देखो तो बीजेपी के चुनाव यहां पर कितने हो जाएंगे, 5 रेशियो 2 रेशियो 1 से जीती है, तो बीजेपी के वोट आ जाएंगे भाई 5:2R1, ठीक है। ऐसे यहां से इसके वोट निकालेंगे बीजेपी के इस साल में, तो यहां पर ये हारी है, तो 6:-3R1, ठीक है।
अब टोटल वोट दोनों बारों में समान है तो बराबर रख देंगे दोनों वोटों की संख्या में, तो कुल वोटों की संख्या 2020 में कितनी आ जाएगी, तो इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो 2020 में आ जाएगी कुल वोटों की संख्या, और इसमें कितनी हो जाएगी तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2025 में कुल वोटों की संख्या आ जाएगी। कुल वोटों की संख्या दोनों केसों में बराबर है तो बराबर रख देंगे। तो देखो पांच रेशियो कितना हो गया भाई, 10 रेशियो हो गया। यहां से रेशियो में रिलेशन निकालेंगे, प्लस 2R1 वैल्यू बराबर हो जाएगी 6 रेशियो, 6 रेशियो कितना हो गया 12 रेशियो, और -3R1, R1 को इधर लेके आएंगे तो 3 और 2 5R1 हो जाएगा, और 10 को इधर लेके जाएंगे तो 2R हो जाएगा। तो R का मान आ जाएगा 5 रेशियो, R1 का मान आ जाएगा 2। तो यहां से दोनों R में रिलेशन आ गया, तो यहां से हमारे पास निकल के आ गया R1 रेशियो R। तो R1 का मान कितना आ गया 2, और R का मान कितना आ गया 5, तो ये आ गया 2 रेशियो 5। देखो ध्यान से समझना, तो R1 2 रेशियो 5 आ गया। अब हम इसका रेशियो बना लेते हैं, तो इधर देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस अब क्या कंडीशन रहेगी, ये यहां से बिल्कुल कंफर्म रेशियो आ जाएगा। तो रख देते हैं यहां पर मान, तो R1 का मान कितना है 2, इसका मान 2 है, तो इसका मान कितना है 5, तो 25 और 4 कितना गया, तो यहां पर रखो R का मान कितना रखेंगे 5, तो 25 हो गया, और R1 का मान 2 रखेंगे 4 हो गया, तो 25 और 4 कितना हो गया भाई 29। बीजेपी को कितने मिले 29, तो कांग्रेस को कितने मिले, तो R का रेशियो कितना है 5, तो 25, तो कितने रेशियो से जीत गई 4 से। फिर दूसरे वाले केस में देखेंगे 6 रेशियो, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, और यहां ये कितने से हारी है, तो यहां पर हम देखेंगे 3R1 से, तो R1 का कितना 6 से हारी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 24। आप देखेंगे यहां पर तो 6 रेशियो, तो 6 रेशियो का मान 30, 30 में से 6 घटाएंगे तो 24, तो देखो यहां पर कितने से हार गई 6 से। अब आप देख लो सेम वही कंडीशन होगी, टोटल वोटर कितने हो जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे 29 और 25 को जोड़ लो, चाहे 30 और 24 को जोड़ लो, दोनों समान आएंगे। अब देखो एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो उसने कहा है कि चुनाव में कुल मतदाता 4,32,000 है, तो कितने रेशियो का मान दिया है 24 और 30, कितना हो गया 54। 54 रेशियो का मान हमें बराबर दिया है 4,32,000 के, ठीक है। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 54 से ये 8 बार कट जाएगा, 8 6 32 और 8 5 40, तो एक रेशियो का मान बराबर हो जाएगा भाई 8,000 के। पूछा है उसने बताइए, अब देखते हैं क्या पूछा है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए जनता पार्टी को कितने वोट मिले, तो जनता पार्टी को कितने वोट मिले थे भाई 29 रेशियो। तो बीजेपी को मिलने वाले वोट निकालेंगे, तो बीजेपी को मिलने वाले वोटों की संख्या आ जाएगी भाई 29 रेशियो 8,000, एक रेशियो का मान 8,000 × 29। आंसर करेंगे तो 30 8 9 72 2 7 8 2 16 16 और 7 23, तो ये आंसर आ जाएगा 2,32,000। इसका मतलब बीजेपी को मिलने वाले वोट 2,32,000 हो गए, जो बी ऑप्शन पे है, तो आंसर हो जाएगा कितना 2,32,000, जो ऑप्शन कौन से पे है, बी पे है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे 8वां कराया सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ऐसे करना है, क्या करना है इसमें देखो मैं एक बार बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूं आपको। सबसे पहला काम है रेशियो बनाना, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना परसेंट वृद्धि कमी हुई है उसको लिख लेंगे, कितना रेशियो मतलब कितने गुने से जीत रहा है, रेशियो बना लिया। उसके बाद इन दोनों चीजों को बराबर रख सकते हैं, बीजेपी प्लस कांग्रेस को, बीजेपी प्लस कांग्रेस को क्यों रख सकते हैं, क्योंकि दोनों चुनावों में दोनों वर्षों में वोटरों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो यहां पर कुल मत 10 रेशियो + 2R1, और यहां पर कुल मत दोनों बराबर, तो यहां से R1 R में रेशियो आ गया 2 5, यहां रख दो, तो यहां पर रखेंगे R का मान कितना है 25, तो 25 कांग्रेस को मिले, ये 4 25 कितना हो गया 29, यहां पर लिखेंगे तो यहां पर 5 रख दो 30, 30 में ये 6 से आया तो कितना होगा। उसके बाद एक रेशियो का मान निकालने के लिए कुल मतदाता दिए, तो कुल मतदाता कितने होंगे 30 और 24 54, यहां से भी निकालेंगे 29 और 25 को जोड़ के तो भी 54 ही आएगा, 54 रेशियो का मान, एक रेशियो का मान आ गया। उसके बाद जिसका पूछा है उसका रेशियो कितना है ये देखेंगे, तो उसने पूछा है जनता पार्टी को कितने मत मिले, तो जनता पार्टी का कितना है 29 रेशियो का मान कितना आ गया 2,32,000, ठीक है। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए, तो बेटा बैठ के आप किसी भी पब्लिकेशन से लगाइए, मैंने आपको पूरी छूट दे रखी है, जो पब्लिकेशन आपको अच्छा लगे। पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो आज की क्लास का 10th क्वेश्चन समझेंगे, तो मैंने आपको पूरी छूट दे रखी है, कहीं से भी कोई भी डाउट लगाइए, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसे सेंड करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, ठीक है, वहां पर जुड़ के आप उसको सेंड कर, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है।
तो देखो आज की क्लास का 10th क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। लखनऊ के वयस्क आबादी के 60% पुरुष तथा 40% महिलाएं विवाहित हैं। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पुरुष ने कहा कुल विवाहित जोड़ों का 75% अपने मत के अधिकार का प्रयोग करते हैं, कुल वयस्क आबादी के कितने प्रतिशत लोगों ने अपने वोट डाला है यह मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक महिला या पुरुष से शादी नहीं सकता है। इसका मतलब एक व्यक्ति एक महिला से ही शादी करेगा, एक महिला एक व्यक्ति से ही शादी करेगी। ये क्वेश्चन है, पढ़ेंगे को समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बेटा जब भी वीडियो देखा करो, पेन को हाथ में लेके पढ़ा करो, मेहनत करने से ही सब कुछ होगा। कोई और शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई मेरे पास मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिसको मैं आपको खिला दूं और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसी कोई दवाई मेरे पास नहीं है, इसलिए आप जो है बस पढ़िए, मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही सिलेक्शन का एकमात्र उपाय है और एकमात्र रास्ता है। आप अगर ये सोचें कि कोई ऐसी मैं दवा घोल के पिला दूं जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। बाकी काम आपको ही करना पड़ेगा, मैं तो बस आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको ही है। ठीक है, देख लें आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं। देखो 10th क्वेश्चन भाई, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। 10th क्वेश्चन देखो, वैकेंसीज वगैरह की टेंशन मत लिया करो, किसी भी चीज की सब आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कोरोना चल रहा है तब तक नहीं आ रही, बाद में आने लग जाएंगी। जब तक आप प्रिपेयर हो जाइए अपने एग्जाम के लिए, जिससे कि जैसे ही वैकेंसी आए आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो, उसके लिए आप लगातार पढ़ाई करते रहे, स्टडी करते रहे भाई। ठीक है, तो देखो लखनऊ के वयस्क आबादी के 60% पुरुष, 40% महिलाएं विवाहित हैं। लखनऊ की आबादी, एक शहर है लखनऊ, है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ है कि नहीं। इसमें 60% पुरुष और 40% महिलाएं विवाहित हैं। उसने ये कहा है, उसने कहा है कि एक लखनऊ की वयस्क आबादी में 60% पुरुष तथा 40% महिलाएं विवाहित हैं। इसका मतलब पुरुषों की संख्या का कुल विवाहित जोड़ों का 75% अपने मत के अधिकार का प्रयोग करते हैं और कुल वयस्क आबादी के कितने प्रतिशत लोगों ने अपना वोट डाला यह मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक महिला या पुरुष से शादी नहीं करता है। ये वाली चीज है। ठीक है भाई, 60% पुरुषों ने और 40% महिलाएं विवाहित हैं। तो देखो इधर समझ लेते हैं, पुरुष कितने विवाहित हैं भाई? तो 60% पुरुष विवाहित हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। इसका मतलब 3/5 का मतलब क्या है, पहले साइड में समझ लो चीजों को। और 40% महिलाएं ये कौन है? 60% क्या दिया है? 60% दिए हैं मैरिड मैन। पहले थोड़ा सा समझ लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, सॉल्यूशन तो इसका बहुत आसान है। मैरिड मैन, तो मैरिड मैन कितने हैं? विवाहित आदमी 60%, तो 60% इसका मतलब अगर टोटल आदमियों की संख्या, टोटल मैन 5 रेशियो होंगे तो उसमें से मैरिड कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 3 रेशियो मैरिड होंगे, इस 3/5 का यही तो मतलब है। उसके बाद मैरिड वुमेनों का परसेंटेज कितना दिया है? 40%। तो अगर मैं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 2/5। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल वुमेन पॉपुलेशन में 5 होंगी तो उनमें से विवाहित कितनी होंगी? तो आप कहेंगे मैरिड होंगी 2। मैरिड कितनी होंगी भाई? 2। इसका मतलब ये है कि अगर आदमियों की जनसंख्या का 60%, उसने कहा है कि 60% पुरुष जो है वो विवाहित हैं, 60% पुरुष विवाहित हैं और 40% जो है वो महिलाएं विवाहित हैं। इसका मतलब महिलाएं जो है 5 रेशियो हैं तो उनमें से 2 रेशियो विवाहित होंगी और पुरुष जो है अगर वो 5 रेशियो हैं तो उनमें से 3 रेशियो जो है वो विवाहित होंगे। ठीक है, बाकी के अनमैरिड होंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। उसने कहा है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है, कोई भी एक व्यक्ति 2 महिलाओं से शादी नहीं कर सकता और कोई भी एक महिला और 2 आदमियों से शादी नहीं कर सकती। इसका कंसेप्ट का मतलब क्या है? इस कंसेप्ट का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों, इस कंसेप्ट का मतलब यह है कि आदमी विवाहित जितने हैं, शहर की जनसंख्या में महिला भी विवाहित उतनी ही होंगी, क्योंकि
जोड़े की अगर हम बात करें तो जोड़े में एक महिला और एक पुरुष होगा, एक पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, और जिसने एक भी नहीं की वो विवाहित में आएगा नहीं, वो हो जाएगा अनमैरिड। इसका मतलब यहां से हमें एक कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि रेशियो को भी तो कंबाइंड करना है भाई। देखो यहां पर रेशियो जो है टोटल मैन का 5 है, इसका अलग है, इन दोनों रेशियो में रिलेशन बताने के लिए भी तो कोई चीज हमें पता होनी चाहिए, वो आपको पता चलेगी अपने दिमाग से इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के, कि जब उसने हमसे ये कहा है कि एक व्यक्ति एक महिला से शादी कर सकता है और एक महिला एक व्यक्ति से कर सकती है, इसका मतलब ये है कि जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी महिलाएं होंगी। इसका मतलब इस रेशियो में अगर मैं कुछ मान लूं, इस रेशियो का मान मान लूं मैं R1 और इस रेशियो का मान मान लूं मैं R2, तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर यहां पर आदमियों की जनसंख्या मतलब 3R1 की वैल्यू बराबर होगी कितने के, 2R2 के। तो यहां से R1 का मान कितना आ जाएगा 2 और R2 का मान कितना आ जाएगा 3, तो R1:R2 आ जाएगा यहां से 2:3। अब यहां से क्वेश्चन हो गया भाई, R1 का मान 2 यहां रखेंगे तो अब उसके बाद यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो टोटल पॉपुलेशन में यहां से निकालेंगे हम मैन और वुमेन, आदमी कितने और महिलाएं कितनी है। तो देखो मान 2 रखेंगे तो यहां पर रखेंगे तो 10 व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और उसमें आदमी मैरिड कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, और 3 यहां रखेंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 15, और उसमें मैरिड कितनी हो जाएंगी, महिला 6। तो देखो महिलाओं की और आदमियों की संख्या बराबर आ रही है, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 15 महिलाएं और 10 आदमी, तो 15 और 10 कितनी हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी भाई, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 25, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन 25 रेशियो में आदमी कितनी होंगे और महिलाएं कितनी होंगी, मैन और वुमेन, तो आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। उसके बाद मैरिड और अनमैरिड, तो मैरिड कितने होंगे आदमी 6, तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे 4, ये तो हो गए मैरिड और ये हो गए अनमैरिड, बात को ध्यान से समझना। ऐसे यहां पर वुमेनों में मैरिड वुमेन कितनी हो जाएंगी 6 और अनमैरिड वुमेन कितनी हो जाएंगी, अनमैरिड वुमेन कितनी हो जाएंगी भाई 6, 9, ठीक है। अब उसके बाद जो पूछा हमसे वो देख लेते हैं, तो उसने कहा है कि बताइए कुल वयस्क आबादी का अगर विवाहित जोड़ों का 75% अपने मत के अधिकार का प्रयोग करते हैं तो विवाहित जोड़ा है कितने, तो विवाहित जोड़े कितने हैं भाई 6 और 6 = 12, 12 रेशियो है टोटल, तो विवाहित मैरिड कपल है कितने, तो मैरिड की अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन में मैरिड कितने हैं तो 12 का 75% कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 × 3 = 12, तो इसका मतलब 9 टोटल पॉपुलेशन आई है, ये 9 निकल के आई है कि जो लोग विवाहित हैं आदमी और पुरुष जो टोटल विवाहित हैं उनमें से कितनों ने मतदान किया है, तो टोटल विवाहित कितने हैं 6 और 6 = 12, 12 में से 9 ने मतदान किया है। लेकिन अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है कि बताइए कुल वयस्क आबादी का कितने प्रतिशत ने मतदान किया है, तो इसका मतलब अब जो ये 9 है इसको कितने पर कैलकुलेट करना है, 25 पर बताना है, क्योंकि उसने पूछा है कि बताइए कुल वयस्क आबादी का कितने प्रतिशत ने मतदान किया, तो कुल वयस्क आबादी है कितनी 25, अब ये बताना है हमें कि जो मतदान किया है जितने लोगों ने, तो कितने लोगों ने किया है 9 ने किया है, मतलब विवाहित तो लोगों में से कितनों ने मतदान किया है वो कुल वयस्क आबादी का, तो कुल वयस्क आबादी का कितना रेशियो है 25, कितना परसेंट है ये पूछा है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 9 × 4 = आंसर हो जाएगा हमारा 36%, हमारा आंसर हो जाएगा 36%, तो कौन से ऑप्शन पे, सी ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यही हमारा करेक्ट आंसर है 36%। एक बार और बता देता हूं मैं, देखो उसने कहा था कि 60% पुरुष विवाहित हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो ऊपर तो आएंगे विवाहित पुरुष और नीचे आएंगे कुल पुरुष पॉपुलेशन में कितने हैं, ऐसे ही 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 2/5, तो नीचे तो आएंगे कुल महिलाएं पॉपुलेशन में कितनी है और ऊपर आएंगे उनमें से विवाहित कितनी है, तो विवाहित कितनी है 2। अब उसके बाद हमें एक कंसेप्ट उसने दिया था कि पॉपुलेशन में एक पुरुष 2 महिलाओं से शादी नहीं कर सकता और एक महिला 2 पुरुषों से नहीं कर सकती, इसका मतलब जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी महिलाएं होंगी, लेकिन यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं, यहां 3 हैं या 2 हैं, तो इनको सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए या तो ऐसे कर लो या ऐसा करते कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते, तो ये देखो 10 हो गया, ये 15 हो गया और ये 6, 6 दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए। अब उसके बाद मैंने क्या किया,
टोटल वयस्क आबादी कितनी हो गई, तो उसमें 10 होंगे पुरुष और 15 होंगी महिलाएं, तो 25 हो गई। 25 में 10 पुरुष हो गए, 15 महिलाएं हो गई। उसके बाद 6 महिलाएं विवाहित हैं, तो अविवाहित कितनी हो जाएंगी, 9, और 6 जो है पुरुष विवाहित हैं, तो अनविवाहित कितनी हो जाएंगे, 4। फिर उसने कहा है कुल विवाहित जनसंख्या का 75% ने मतदान किया है, तो विवाहित जनसंख्या इतनी है कितनी, 6 और 6 12, 12 का 75% 3/4 कितना आ गया, 9, ये हो गए मतदान करने वाले लोग। और फिर उसने पूछा है कि बताइए कुल वयस्क आबादी का कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है, तो अब हमें जो 9 रेशियो है वो कुल वयस्क आबादी का निकालना है, मतलब 25 का निकालना है, तो 9 25 का कितना परसेंट है, 9/25 मल्टीप्लाई हो, तो आंसर आ जाएगा 36%, तो हमारा आंसर हो गया 36%। ठीक है, क्लियर है। तो ये आज की क्लास का 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चनों में हमने 2 क्लास ली, उन दोनों क्लासों में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हमने उठाए और उनको कराया। इन क्वेश्चनों से अलग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, अब आप जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी आपको पब्लिकेशन की बुक में मिले, उनको लगाएं, उनको करें, सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं होता है, कोई डाउट रहता है, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आके जुड़े भाई। टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जुड़े, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चनों की। अगर कोई क्वेश्चन अच्छे से जो है नहीं दिखा स्क्रीन पर, तो उसमें आप पीडीएफ में देख के कर सकते हैं, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो मिलेगा आपको। उसके अलावा आप प्रैक्टिस जो करेंगे तो वो उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं 10 क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। आज के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ परसेंटेज के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। ठीक है, बाय।